सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो AMT वर्जन है उसका आप ये एक्चुअल लुक देख रहे हैं। दोस्तों ये ZXI मॉडल है जो आप देख रहे हो। इसके अलावा आपको जो डिफरेंट वर्जनस हैं जिनका मैंने रिव्यू किया था, जैसे आपका ZXI प्लस है, इसके अलावा जो पेट्रोल पे है, डीजल पे है, VDI है, VXI है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे उसके भी रिव्यूज़ देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसके अलावा कोई क्वेरी हो आपके मन में तो वो भी मुझसे पूछिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साइड्स में, शॉर्ट्स में भी आपको इस गाड़ी के बारे में एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि हमेशा हम लोग शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से, तो पहले आप इसका जो पूरा फ्रंट लुक है वो देख लीजिए। ZXI मॉडल है जिसमें मैंने आपको बताया। तो नीचे आपको इसमें फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प की बात करते हैं तो आपको कन्वेंशनल मिलते हैं। ये सब डिज़ाइन पूरी चेंज कर दी गई 2018 स्विफ्ट की। गाड़ी जैसे पहले बहुत ज़्यादा बिकती थी वैसे अभी भी बहुत ही ह्यूमंगस और चंक अमाउंट में बिक रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है गाड़ी। यहाँ पे जो इसकी आप ग्रिल है फ्रंट वो देख लीजिए, तो यहाँ पे कोई आपको क्रोम बॉर्डरिंग वगैरह नहीं मिलता है, केवल जो आपका सुजुकी का लोगो हो गया वो आपको क्रोम पे अवेलेबल है। वैसे ही आपका इधर का भी साइड आप देख सकते हो यहाँ पे। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के साइड में और साइड से भी इसका पूरा एक प्रोफाइल आपको दे देता हूँ, तो साइड से आपको पूरे गाड़ी का अच्छे से आइडिया लग जाएगा ZXI वेरिएंट का जो AMT है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे जो आपके व्हील्स हैं आपको अलॉय व्हील्स इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं, ये आप देख सकते हो। अपोलो के आपको इसमें टायर्स मिल जाते हैं। ORVM की दोस्तों बात करते हैं तो आपको ये बॉडी कलर पे मिलते हैं और आपके जो इंडिकेटर के इंसर्ट हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। डोर हैंडल्स पे आप देख रहे हैं तो आपका जो कीलेस एंट्री है उसका जो पैच है वो आपको मिलता है इसमें। बाकी जो आपके हैंडल्स हैं आपको ये बॉडी कलर पे मिलते हैं। चलेंगे दोस्तों गाड़ी के पीछे और यहाँ पे जो आप देखते हैं पीछे वाला जो आपका हैंडल है डोर खोलने के लिए, आपको ये अपर पार्ट में मिलता है। पूरे ये जो फिनिश है ये पूरी कैरी करी गई यहाँ से, पूरी जो डस्ट की फिनिश है। इधर आप देखते हैं दोस्तों जो आपका फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख सकते हो। जो टेल लैंप है, जैसे गाड़ी पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है, कोई रिजेम्बलेंस नहीं है पुरानी वाली स्विफ्ट से, वैसे ही आपका टेल लैंप क्लस्टर है, बहुत बढ़िया लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये आप देख सकते हैं पूरा। और जो पूरी ये फिनिश दी गई है यहाँ पर, जो ब्रॉडेंड फिनिश दी गई, इसको बहुत ही उमदा लुक देती है। आ गए दोस्तों गाड़ी के पीछे, तो पीछे से भी पूरा आप इसका एक लुक ले लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिंपल पूरा आपको बैक मिलता है, मॉडल की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता और काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं जो स्विफ्ट की ब्रांडिंग है वो आपको अवेलेबल है क्रोम पे, जो सुजुकी का लोगो है वो आपको मिल जाता है क्रोम के ऊपर। उसके अलावा जो आपका रियर वाइपर है वो भी आपको अवेलेबल है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब दोस्तों आ गए हैं गाड़ी के दूसरी साइड, तो पहले आप इधर से भी पूरा इसका एक लुक ले लीजिए, इसके बाद जो इसका बूट स्पेस है वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो जल्दी से बूट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी ट्रे है वो आपको मिल जाती है इसमें, तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नीचे की स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉम्पैक्ट गाड़ी है। बाकी जो आपका बूट लैम्प है वो भी आपको अवेलेबल है, तो यहाँ पर अच्छी खासी हैचबैक के हिसाब से आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, ये आप देख सकते हो। तो आप जल्दी से इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर बैठ के आपसे आराम से बात करेंगे इसके सारे फीचर्स, इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। उससे पहले दोस्तों जो बाहर से इसका पूरा लुक है AMT वर्जन का वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो गाड़ी दोस्तों बहुत बढ़िया लगती है स्विफ्ट, चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इसका इंटीरियर हो, पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा लुक लगता है। डोर्स की बात करते हैं आप अगर, तो आपको ये डुअल फिनिश में मिलते हैं, जो आपके डोर पॉकेट्स हैं काफ़ी ब्रॉड दी गई हैं, तो आपका बॉटल आराम से आएगा यहाँ पे। बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरी ये सिल्वर ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है। आपका जो ORVM एडजस्टर है वो अवेलेबल है, बाकी आपकी विंडो अप डाउन बटन्स हो गई, फ्रंट वाली आपको ऑटो मिल जाती है, ड्राइवर साइड लॉक अनलॉक हो गई, विंडो लॉक हो गई। आपका जो डोर हैंडल है खोलने के लिए वो आपको ग्लॉसी फिनिश, सॉरी जो आपकी क्रोम फिनिश है उस पर आपको मिलता है जैसे आप देख सकते हो। तो बहुत ही इसको एक अच्छा लुक देता है, काफ़ी सूदिंग लुक देता है। एडजस्टमेंट्स की दोस्तों बात करते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्ट और बैक एडजस्ट दोनों अवेलेबल हैं, जो एक अच्छा कन्वीनियंस फीचर है। सीट्स की कुशनिंग देख लेते हैं, तो सीट्स दोस्तों काफ़ी अच्छी हैं। बाकी जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी को, वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आपको इसकी सीटिंग कैसी लगती है, आपको गाड़ी कम्फर्टेबल लगती है कि नहीं लगती है, आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों बाहर से तो मैंने इसका पूरा आपको लुक दे दिया इसके इंटीरियर का, आप चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर बैठ के आपसे आराम से बात करेंगे। तो लेट्स गो इनसाइड द कार।
तो दोस्तों अब मैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi AMT के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो पहले पूरा आप जो इसका फ्रंट डैशबोर्ड है उसका पूरा आप एक अच्छे से लुक ले लीजिए, तो आपको पूरे इसके डिज़ाइन का, पैटर्न का, चेंजेस का, डैशबोर्ड का, कलरिंग का आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं जो पूरा आपका केबिन है, आपको लगभग जो डैशबोर्ड है ये आपको पूरा एक सिंगल फिनिश में दिया गया है। बीच में आपको केवल यहाँ पे एक इंसर्ट मिल जाता है सिल्वर फिनिश का, जो आप देख सकते हो। वैसी फिनिश आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पे मिलती है जो काफ़ी इसको एक मैचिंग दे देती है और काफ़ी इंटीरियर अच्छा लगने लगता है, लाइवली लगने लगता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप देख रहे हैं, जो आपका RPM मीटर हो गया, आपका जो स्पीडोमीटर है, बीच में आपको MID मिल जाता है, काफ़ी ब्रॉड दिया गया है, जो आपका गियर इंडिकेटर है, डिजिटल क्लॉक है, टेम्परेचर है, फ्यूल गेज है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, जैसी और भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है जो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में यहाँ पे दिख भी रही होंगी। इधर आप दोस्तों देखते हैं तो आपका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको अवेलेबल है, पूरा क्रोम फिनिश के साथ दिया जाता है। नीचे आपका जो पार्क असिस्ट है और आपका जो लाइट एडजस्टर है वो यहाँ पे अवेलेबल है। एसी वेंट्स दोस्तों देखते हैं तो साइड्स में और मिडिल में चेंजेस आपको मिलेंगे। ये आपका जो एसी वेंट है आपको नॉर्मल दिया गया है, काफ़ी नैरो है यहाँ पे, और जो मिडिल का एसी वेंट है आपको राउंडेड शेप में मिलता है। बाकी जो क्रोम बॉर्डरिंग्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके टॉगल्स की तो आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइपर का टॉगल, इधर आपको मिलता है आपका इंडिकेटर और जो आपका लाइट का टॉगल है। इसके अलावा जो स्टीयरिंग आप देख रहे हैं तो सिल्वर इंसर्ट्स मैंने आपको दिखा दिए थे जो ये दिए गए, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ये आपके जो कंट्रोल है, मोड हो गया, वॉल्यूम हो गया, ट्रैक चेंज वगैरह है, इसके अलावा म्यूट है, वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जो एक अच्छा फीचर है और ड्राइवर के कन्वीनियंस का अच्छे से ख्याल रखा है कंपनी ने। यहाँ पे जो आपके कॉलिंग कंट्रोल्स हैं वो आपको दिए गए, तो इसकी पोजिशनिंग दोस्तों मुझे बहुत बढ़िया लगी। जैसे ब्लूटूथ का बटन है, कॉल डिस्कनेक्ट करना है, कॉल कनेक्ट करना है, मतलब कि आपको कॉल उठाना है, तो वो आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो स्टीयरिंग दोस्तों बहुत बढ़िया लगती है। अब दोस्तों जिसका मिडिल है उसका मैं आपको अच्छे से आइडिया एक लुक दे देता हूँ। पहले जो मिडिल पोर्शन है गाड़ी का वो आप देख लीजिए। पहले यहाँ पे एसी वेंट्स का मैंने आपको बता दिया था, जो आपका हैजार्ड बटन है वो आपको अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नॉर्मल मिलता है। इसका दोस्तों भी मैं रिव्यू जल्दी से जल्दी करके उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके आप डिटेल में इसका रिव्यू देख सकते हो, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। जो लोअर वेरियंट्स हैं लगभग आपको ऐसे ही कॉमन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये आपका CD/DVD इंसर्ट पॉइंट हो गया, ब्लूटूथ कॉलिंग हो गई, यहाँ पे आप देखते हैं जो ट्यूनिंग का आपका रोटरी नॉब है, वॉल्यूम का रोटरी नॉब है, और आपको क्रोम गार्निश भी साइड से मिलते हैं। इधर आपको डिस्प्ले मिल जाता है आपकी फंक्शनिंग देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपल है। अगर टच लेना है आपको तो आपको इसका ZXi प्लस वेरियंट लेना पड़ेगा, जो टॉप मॉडल आता है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। आपको अगर टच इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, एंड्रॉइड ऑटो चाहिए, एप्पल कारप्ले चाहिए, तो उसके लिए आपको इसका टॉप एंड खरीदना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं नीचे तो आपको जो एसी कंट्रोल्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो आपका ये डिजिटल आपको डिस्प्ले मिलता है राउंडेड शेप में, दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है और इस स्विफ्ट में आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखते हैं जो पूरी फंक्शनिंग एसी की है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी जो नीचे आपका है, आपका जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो आपका USB है और जो ऑक्स है वो आपको अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जो सबसे बड़ा हाईलाइट है दोस्तों वो आप अब देख रहे हैं, जो इसका AMT गियर बॉक्स है। पूरा जो फिनिश है यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश, और साइड्स में पूरे आपको ये सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। पूरा आपको पियानो फिनिश, जो पियानो फिनिश है वो आपको गियर में भी दी गई है, जो इसको काफ़ी अच्छा लुक देती है। दोस्तों गियर बॉक्स ये बहुत एक्सपेक्टेड था मारुति में, तो अच्छी बात है कि ये लेकर आए हैं। अब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ दोस्तों वैसे भी बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, तो एक अच्छी ऑफरिंग है मारुति की तरफ से। पीछे आप देखते हैं दोस्तों तो आपको थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिल जाती है, अपना सामान वगैरह रख सकते हो आप। इसके अलावा जो आपका हैंड ब्रेक हो गया ये आपको मिलता है आगे, पूरा जो क्रोम फिनिश है। पीछे आप देखते हैं जो आपको एक और कप होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों जो इसका को ड्राइवर साइड है वो देख लेते हैं, तो जो आपका ग्लव बॉक्स है आपको नॉर्मल मिलता है, ना तो ये कूल्ड है ना तो ये लाइटेड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। स्पेस भी ठीक ठाक दी गई है, सीट्स की कुशनिंग मैंने आपको शो कर दी है। इधर भी आपको वही फिनिश और जो आपका ऑटोमेटिक विंडो अप डाउन है, नीचे आपकी डोर पॉकेट्स हैं, बॉटल वगैरह डाल सकते हो अपना, यहाँ पे जो आपको सामान वगैरह रखना है वो आप रख सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ऊपर आप देखते हैं जो आपकी रीडिंग लाइट्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, जो ग्रैब हैंडल हैं आपको तीनों विंडोज़ में मिल जाते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट का जितना था मैंने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया है, मेरे हिसाब से फ्रंट में अब कुछ भी नहीं बचा है। जो बचा है वो इसकी आवाज़, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शो कर देता हूँ, तो जल्दी से FM पे कुछ प्ले करके और आपके पास वापस आता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से इसकी आवाज़ तेज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत इसके साउंड का आइडिया लग गया होगा, जो ZXi मॉडल आप देख रहे हो।
इसके अलावा दोस्तों जो इसका डिटेल वीडियो है वो भी जल्दी से जल्दी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ज्ञानी इनफ चैनल को। और दोस्तों इसके अलावा कोई क्वेरी है आपके मन में इस गाड़ी को लेकर तो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, हमेशा की तरह मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर लगता है कि उससे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, साइड्स में शॉर्ट्स में भी आपको गाड़ी के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी के लिंक पर क्लिक करके वहाँ जाके इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के पीछे और पीछे बैठ के आपसे आराम से बात करेंगे कि गाड़ी में पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शनैलिटी मिल जाते हैं, गाड़ी पीछे से कैसी है और क्या क्या चीज़ें हैं पीछे इसमें। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। तो दोस्तों अंदर बैठने से पहले आप इसका बाहर से पूरा एक लुक ले लीजिए। जो रियर ट्रे है, पार्सल ट्रे है, वो मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, ना तो यहाँ पे आपको कोई सॉकेट वगैरह मिलता है मोबाइल चार्जिंग के लिए। सीट्स आप पूरी देख लीजिए, काफ़ी ब्रॉड एंड अच्छी सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। पीछे दोस्तों आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे आप देख सकते हो जो फिनिश है डोर्स की जैसे आगे थी वैसे पीछे है, कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया डिज़ाइन में। जो आपका पूरा क्रोम हैंडल है वो आपको अवेलेबल है, बाकी जो विंडो अप डाउन बटन्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको बॉटल होल्डर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे पूरी पूरी डोर पॉकेट्स कम्प्लीटली आपको नहीं दी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं पीछे वाले दोनों डोर्स पे। इधर आप देखते हैं जो लेग स्पेस है 6 फीट डिफरेंस के लिए हाइट है मेरी, आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडरूम भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ बैठने में। इधर से दोस्तों आप पूरा जो इसका फ्रंट है, डैशबोर्ड है, उसका पूरा आप एक अच्छे से लुक ले लीजिए तो आपको AMT वर्जन का अच्छे से आइडिया लग जाएगा पूरे डिज़ाइन का, चेंजेस का। जो सबसे बड़ा हाईलाइट था इसका जो इसका गियर बॉक्स वो मैंने आपको शो कर दिया है। दोस्तों गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है, अगर आप ये गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, जिससे कि जो लोग इसको आगे लेना चाहते हैं उनको एक अच्छे से आइडिया लग जाता है। अगर आप ये गाड़ी ले चुके हैं और आप अगर ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी इस वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, AMT वर्जन स्विफ्ट का कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। इसके बारे में कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं रिजॉल्व करूंगा हमेशा की तरह। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, गाड़ी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा दोस्तों और वीडियोज आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।